दुर्गेश मी सीडीपी की महत्वपूर्ण परीक्षा वाली क्लास में मैं मुकेश आप सभी का स्वागत करता हूं। फ्रेंड जल्दी जल्दी लाइव आ जाइए, परीक्षा वाली बेहद महत्वपूर्ण क्लास प्रारंभ हो चुकी है। फटाफट सभी साथी जल्दी जल्दी लाइव आ जाइए, सभी का क्लास में स्वागत है। नमस्कार, राधे राधे। जल्दी जल्दी सभी साथी लाइव आ जाइए, यह क्लास आपको निश्चित तौर पर परीक्षा में लाभ पहुँचाएगी। इसी उम्मीद के साथ सभी साथी जल्दी जल्दी लाइव जुड़ेंगे। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर फ्रेंड, प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत। जी हाँ, ट्रायल एंड एरर मेथड के प्रतिपादक के तौर पर किसका नाम प्रसिद्ध है? पावलोव, थॉर्नडाइक, स्किनर या कोहलर? जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएंगे सभी साथी, इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या है। फटाफट आंसर कमेंट करके बताएं फ्रेंड, जल्दी जल्दी इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या है। आप सभी साथी फटाफट आंसर कमेंट करके बताएं जल्दी से, क्या पावलोव है, थॉर्नडाइक है, स्किनर है, कौन है इसका सही जवाब? जल्दी जल्दी आंसर कमेंट करके बताएं फ्रेंड, फटाफट सभी साथी आंसर कमेंट करके बताएंगे इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या है। जी हाँ, सभी साथी फटाफट आंसर कमेंट करके बताएं जल्दी जल्दी। चलिए आप सभी के आंसर आने प्रारंभ। जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, सभी को नमस्कार, सभी को राधे राधे। क्लास प्रारंभ हो चुकी है। चलिए आप सभी के आंसर आने प्रारंभ हो चुके हैं, बहुत बढ़िया। चलिए बहुत बढ़िया, विकल्प नंबर बी वाले सभी साथियों के जवाब 100% सही हैं। बी इज द राइट आंसर फ्रेंड, आप सभी के जवाब सही हैं। बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है और लगभग लगभग साथियों ने बिल्कुल सही आंसर कमेंट किया है। बी कमेंट करने वाले सभी साथियों के जवाब हैं, बहुत बढ़िया। चलिए बी द राइट आंसर, आगे बढ़ेंगे फ्रेंड। अगला क्वेश्चन है, किशोरों के नैतिक विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण कारक है। जी हाँ फ्रेंड, किशोरों के नैतिक विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण कारक है आदर्श पुस्तक पढ़ने को दें, आदर्श व्यक्तियों की जीवन के बारे में बताएं, स्वयं आदर्श प्रस्तुत करें, मित्रवत व्यवहार करें। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है फ्रेंड, आई होप आप सभी के आंसर 100% सही होंगे। जी हाँ, आप सभी साथियों के आंसर 100% सही होंगे इस क्वेश्चन के लिए, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। किशोरों के नैतिक विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण कारक क्या है? जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं, फटाफट सभी साथी आंसर कमेंट करके बताएं इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या है। चलिए कुछ लोग ऑप्शन नंबर बी कमेंट कर रहे हैं। जो साथी अभी क्लास से जुड़ रहे हैं उन सभी का मैं क्लास में स्वागत करता हूँ, सभी को नमस्कार, सभी को राधे राधे। क्लास प्रारंभ हो चुकी है फ्रेंड, आप सभी लोग जुड़ जाइए। जितने भी साथी लाइव इस समय देख रहे हैं सभी लोग वीडियो को शेयर कर दीजिए एक बार और सभी लोग के आंसर कमेंट करिए। चलिए बी और सी में कन्फ्यूजन बना हुआ है, सी वाले साथियों ने बाजी मार लिया, उनके जवाब सही हैं। स्वयं आदर्श प्रतुक, भैया देखिए बात हो रही है नैतिक विकास की, तो नैतिक विकास की हो रही है, तो नैतिक विकास के लिए यदि आप बच्चों को सामने स्वयं आदर प्रस्तुत करेंगे तभी उनकी मॉरलिटी अच्छे तरीके से डेवलप होगी, अन्यथा नहीं होगी और भी कोई भी उपाय कारगर नहीं होगा। विकल्प नंबर सी वाले साथियों के जवाब सही हैं। आगे बढ़िए भाई, निम्नलिखित में से कौन सा कक्षा कक्ष में अधिगम निर्मितवादी पक्ष नहीं है? अधिगम निर्मितवादी पक्ष नहीं है। विद्यार्थी समूह में कार्य करते हैं, शिक्षक विद्यार्थी में से संवाद रखता है, पाठ पुस्तक एवं अभ्यास में आधारित अधिगम या अंतःक्रियापूर्ण अधिगम? जल्दी से बताएं फ्रेंड, इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा कक्षा कक्ष में अधिगम निर्मितवादी पक्ष नहीं है? बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन फ्रेंड है, जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या है। फटाफट आंसर कमेंट करके बताएं फ्रेंड, इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा कक्षा कक्ष में अधिगम निर्मितवादी पक्ष नहीं है? जी हाँ, इस क्वेश्चन के लिए सभी साथी आंसर अपना कमेंट करेंगे थर्ड के लिए। चलिए सी, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया फ्रेंड। पाठ्य पुस्तक का एवं अभ्यास पुस्तक का आधारित अधिगम यह निर्मितवादी पक्ष नहीं है, बाकी सारे आश्रम जो ऑप्शन हैं आपके ये सारे आपके निर्मितवादी पक्ष हैं। विकल्प नंबर सी वाले सभी साथियों के आंसर 100% राइट हैं।
विकल्प सी कमेंट करने वाले सभी साथियों के जवाब 100% सही हैं। सी इज द राइट आंसर। छात्रों की रटने की प्रवृत्ति को रोकने हेतु कैसे प्रश्न पूछने चाहिए, वस्तुनिष्ठ, लघु उत्तरी, दीर्घ उत्तरी या निबंधात्मक? जी हाँ फ्रेंड, यह बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस पर तो स्टार लगा के रखिएगा। यह क्वेश्चन निश्चित तौर से आपसे पूछा जा सकता है कि छात्रों में रटने की प्रवृत्ति को रोकने हेतु कैसे प्रश्न पूछने चाहिए। इस क्वेश्चन के जवाब सभी साथियों के सही होने चाहिए। भाई बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, मैं चाहूँगा सभी साथी इसका आंसर फटाफट कमेंट सेक्शन में टाइप करिए और जल्दी जल्दी लिखिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ए आंसर आना प्रारंभ हो चुका है। मेरे ए वाले सभी साथियों के जवाब 100% सही हैं, उनकी ऑप्शन को मैं 100% टिक करता हूँ, जवाब बिल्कुल सही है। अब बात करें वस्तुनिष्ठ की करें फ्रेंड, तो वस्तुनिष्ठ का मतलब होता है बहुविकल्पी। यहाँ पर बहुविकल्पी मतलब ऐसा प्रश्न जिसके उत्तर एक शब्द में आए, उस प्रकार के यदि आप प्रश्न करते हैं तो बच्चों में प्रश्नों को रटने की क्षमता का जो प्रवृत्ति होती है वह कम होती है। तो विकल्प नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। काफ़ी सारे साथियों के मेरे जवाब 100% सही हैं। अगला, अधिगम के लिए सबसे महत्वपूर्ण स्थिति कौन सी है? कक्षा कक्ष का वातावरण, स्पष्ट शैक्षिक उद्देश्य, अध्यापक का संप्रेषण, सर्वदेश सामग्री। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन यह भी है, इसके लिए भी अपने आंसर कमेंट करके बताएं जल्दी से इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। फटाफट सभी साथी आंसर कमेंट करके बताएं इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। कक्षा कक्ष का वातावरण, स्पष्ट शैक्षिक उद्देश्य, अध्यापक का संप्रेषण, सर्वदृश्य सामग्री। जी हाँ फ्रेंड, फटाफट आंसर कमेंट करके बताएं। जी हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, देखिए भैया अधिगम के लिए जो सबसे जरूरी तत्व होता है फ्रेंड, होता है कक्षा कक्ष का आवरण। यदि कक्षा कक्ष का वातावरण सीखने योग्य होगा तभी अधिगम सफल होगा, अधिगम का प्रक्रिया प्रारंभ होगी। यदि अन्यथा नहीं ऐसा होगा तो अधिगम की प्रक्रिया होना संभव नहीं है। तो कक्षा का वातावरण सबसे महत्वपूर्ण कारक होता है अधिगम की प्रक्रिया के लिए। विकल्प नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। विद्यार्थी स्वयं की असफलता का दोष असहयोगी कारकों को देता है जिससे उसके वांछित व्यवहार से ध्यान हट जाता, तो यह कहलाता है उदासीकरण, दमन, तादात्मिकरण, प्रक्षेपण। बताएं फ्रेंड इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या है, जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या है। उदासीकरण है, दमन है, तादात्मिकरण है या प्रक्षेपण है? चलिए डी डी कमेंट कर रहे हैं भैया, डी डी कमेंट कर रहे हैं। सभी को पुनः राधे राधे भैया, जो लोग अभी जुड़ रहे हैं उन सभी को राधे राधे। जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं क्वेश्चन नंबर सिक्स का सही जवाब क्या है। चलिए विकल्प नंबर सी कमेंट कर रहे हैं कुछ लोग, कुछ लोग डी भी कमेंट कर रहे हैं और कुछ लोग ए भी कमेंट कर रहे हैं। आप सभी लोग अपने अपने आंसर कमेंट करिए, जल्दी बताइए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या है। देखिए फ्रेंड, विद्यार्थी की स्वयं की सफलता का दोष असहयोगी कारकों को देना जिससे अवांछित व्यवहार से उसका ध्यान हट जाता है, यह कहलाता है प्रक्षेपण। विकल्प नंबर डी वाले सभी साथियों के जवाब सही हैं, डी इज द राइट आंसर। डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। आगे बढ़िए फ्रेंड, मानसिक आरोग्य विज्ञान एक विज्ञान है जो मानवीय संबंध है, जो कि मानवीय संबंध से है, यह किसने कहा है? विज्ञान एक विज्ञान है जो मानवीय, जिसका संबंध मानवीय संबंध से, भाई यह किसने कहा? फ्रायड ने, स्कीनर ने, क्रोएनक्रोए, थानराइक ने। बताएं फ्रेंड किसने कहा है कि मानसिक आरोग्य विज्ञान एक विज्ञान है जो कि मानवीय से संबंध है, यह कथन किसका है? फटाफट बताएं फ्रेंड इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या है। जल्दी जल्दी सभी साथी आंसर कमेंट करके बताएं इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या है। फटाफट कमेंट सेक्शन में जाइए और अपने अपने आंसर कमेंट सेक्शन में टाइप करिए। चलिए ए ए कुछ लोग बी भी कमेंट कर रहे हैं, कुछ लोग सी भी कमेंट कर रहे हैं, सी सी सी। सभी साथी कमेंट सेक्शन में जाइए और अपने अपने आंसर प्रत्येक क्वेश्चन के लिए कमेंट करके बताइए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या है। सभी लोग फटाफट एक बार पुनः वीडियो को शेयर कर दीजिए क्योंकि संख्या आप लोगों की बेहद कम है, संख्या बहुत कम है, अपनी संख्या को बढ़ाइए फ्रेंड, संख्या क्यों आप लोगों की बहुत कम है। चलिए सी वाले साथियों के जवाब सही हैं, क्रो एंड क्रो का यह कथन है कि मानसिक आरोग्य विज्ञान एक विज्ञान है जो कि मानवीय संबंध है, मानवीय से संबंध है। विकल्प नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला, कुछ लोग नए लोगों में आसानी से समायोजित हो जाते हैं क्योंकि उनमें उच्च बुद्धि लब्धि, शैक्षिक लब्धि, सांवेगिक या आध्यात्मिक लब्धि होती है। जल्दी से बताइए, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, यह क्वेश्चन बहुत सिंपल है फ्रेंड, आसानी से आप सभी लोग इसका जवाब दे पाएंगे।
कुछ लोग नए लोगों में आसानी से समायोजित हो जाते हैं क्योंकि उनमें उच्च बुद्धलब्धि होती है या शैक्षिक लब्धि होती है या सांवेगिक होता है या आध्यात्मिक लब्धि होती है, बताइए क्या होता है इसमें। चलिए भैया विकल्प नंबर सी 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 कमेंट करने वाले सभी साथियों के आंसर आने प्रारंभ हो चुके हैं। सी 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 काफ़ी लोग विकल्प नंबर सी कमेंट कर रहे हैं, बहुत बढ़िया। आप सभी साथियों के जवाब 100% सही हैं फ्रेंड। सांवेगिक कहने का मतलब फ्रेंड क्योंकि उनमें जो संवेग होते हैं वह प्रबल होते हैं, उच्च होते हैं, जो समायोजित करने में सबसे ज़्यादा सहायता प्रदान करते हैं। एक स्थिति से दूसरी स्थिति में समायोजित करने में सबसे ज़्यादा जो सहायता प्रदान करते हैं फ्रेंड वह संवेग होते हैं। तो विकल्प नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है, आप सभी के जवाब 100% सही हैं। आगे बढ़िए फ्रेंड। आगमन चिंतन, आगमन चिंतन शिक्षण प्रतिमान के प्रतिपादक हैं डेविड आसुवेल, हिल्दा बाटाबा, रॉबर्ट ग्लेसर, जीरोम ब्रूनर। जी हाँ फ्रेंड, आगमन चिंतन शिक्षण के प्रतिमान के प्रतिपादक कौन है? बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है फ्रेंड, जल्दी से आप सभी लोग आंसर कमेंट करके बताइए। थोड़ा सा नया क्वेश्चन है, यूनिक क्वेश्चन है, फटाफट सभी साथी आंसर कमेंट करके बताएंगे। इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या है? चलिए डी 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 डी, काफ़ी सारे साथी विकल्प नंबर डी कमेंट कर रहे हैं। तो आगमन चिंतन शिक्षण प्रतिमान के जो जनक है फ्रेंड वह हैं हिल्दा टाबा, विकल्प नंबर बीस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। जीरोम ब्रूनर ये संज्ञानात्मक विकास के जो सिद्धांत है उसके जनक माने जाते हैं, संरचनावादी। जी हाँ, संरचनावादी विचारधारा के जनक माने जाते हैं आपके जीरोम ब्रूनर। तो विकल्प नंबर बीस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। एक 8 वर्षीय बालक अपने छोटे भाई की तरह घुटने से चलता है, यह उदाहरण है किसका? प्रतिगमन का, युक्तिकरण का, दमन का या क्षतिपूर्ति का? फटाक से बताएं फ्रेंड। एक 8 वर्ष का बालक है जो अपने छोटे भाई की तरह घुटने पर चलता है, यह उदाहरण किसका है फ्रेंड? फटाफट आंसर कमेंट कर बताएं इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या है। जी हाँ, शौक बस वह अपने छोटे भाई की तरह घुटने पर चलता है, जिसे मनोविज्ञान में किस शब्द से संबोधित करते हैं? ए ए ए बी भी कमेंट कर रहे हैं कुछ लोग। चलिए ए और बी, अभी तक क्वेश्चन नंबर 10 के लिए ए और बी कमेंट आ रहे हैं। चलिए ए बी ए बी ए बी, सभी साथी जितने भी साथी लाइव इसमें हैं सभी लोग प्रत्येक क्वेश्चन के लिए अपने अपने आंसर कमेंट सेक्शन में टाइप करेंगे। जी हाँ ए ए ए, बहुत बढ़िया, ए वाले मेरे सभी साथियों के जवाब 100% सही हैं। उन सभी के साथ मैं जाऊँगा क्योंकि उनके जवाब 100% सही हैं कि अगर एक 8 वर्ष का बच्चा है वह अपने छोटे भाई की तरह घुटने के बल पर चलता है तो कहने का मतलब होता है अनुकरण कर रहा है, इसे मनोविज्ञान में प्रतिगमन कहा जाता है। विकल्प नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। आगे बढ़िए भाई। थान राय के सीखने के नियम के अनुसार गौर नियमों में कौन सा नियम सम्मिलित नहीं है? बहुअनुक्रिया का नियम बिल्कुल सम्मिलित है, प्रभाव का नियम, यह गौर नियम नहीं बल्कि मुख्य नियम है फ्रेंड। विकल्प नंबर बी यही इसका बिल्कुल सही जवाब है कि यह मुख्य नियम हमें सम्मिलित है, गौर नियम में सम्मिलित नहीं है। मानसिक स्थिति का नियम, आंतरिक क्रिया का नियम, ये सारे आपके गौर नियम हैं। तो विकल्प नंबर बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। अभ्यास का नियम, तत्परता का नियम, प्रभाव या संतोष का नियम, यह तीन मुख्य नियम है। बहुअनुक्रिया, सादृश्यता, आंतरिक क्रिया, मानसिक क्रिया, ये सारे आपके गौर नियम हैं। विकल्प नंबर बीस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। आप सभी के आंसर भी मैं बी देख पा रहा हूँ, सभी के जवाब सही हैं फ्रेंड, बी द राइट आंसर, बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही विकल्प है। आगे अधिगम क्रिया में अशाब्दिक संप्रेषण के तरीके हैं मुख्य हाव भाव, शारीरिक भाषा, सांकेतिक भाषा, उपयुक्त सभी। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है फ्रेंड, फटाफट कमेंट सेक्शन में जाइए आंसर टाइप कर दीजिएगा। बेहद सरल सवाल है, बेहद सरल क्वेश्चन है, आप सभी के जवाब में इसके लिए निश्चित तौर पर बिल्कुल सही चाहूँगा। अरे भैया कह रहे हैं कि ऐसा संप्रेषण, ऐसा बातचीत का तरीका जिसमें मुख से वाणी न व्यक्त हो, मतलब कि हाव भाव करके बातचीत करना, इशारे से बातचीत करना है, शारीरिक भाषा मतलब हाथ पैर का जो इशारा करके दिखाया जाता है यह अशाब्दिक संप्रेषण है, सांकेतिक भाषा यह भी एक प्रकार का अशाब्दिक संप्रेषण है, इसका मतलब विकल्प नंबर डी के साथ चला जाएगा, जवाब हमारा 100% सही है। जी हाँ फ्रेंड, इसका 100% सही आंसर है। अगला अधिगम की दृष्टि से सर्वोत्तम शिक्षण सामग्री है,
पाठ्यपुस्तक में दी हुई, बाजार में उपलब्ध, छात्र निर्मित या अध्यापक निर्मित। तो अधिगम के दृष्टिकोण से फ्रेंड सर्वाधिक शिक्षण महत्वपूर्ण जो है शिक्षण सामग्री कौन सी होती है। क्वेश्चन नंबर 13 के लिए तभी साथी कमेंट सेक्शन में जाइए और अपने अपने आंसर टाइप करिए। जल्दी से बताइए क्वेश्चन नंबर 13 का सही जवाब क्या है। क्या पाठ्यपुस्तक में दी हुई सामग्री होगी, या बाजार में उपलब्ध सामग्री होगी, या छात्र निर्मित सामग्री होगी, या अध्यापक निर्मित सामग्री होगी। फ्रेंड जब भी हम अधिगम की बात करते हैं बाल मनोविज्ञान में तो तुरंत हम छात्र की तरफ देखते हैं, क्योंकि इस समय की जो साइड चाइल्ड साइकोलॉजी है वह टोटली बेस्ड है चाइल्ड एजुकेशन पर, मतलब चाइल्ड सेंटर्ड है। तो छात्र निर्मित अधिगम को हम सर्वोत्तम शिक्षण सामग्री मानते हैं। विकल्प नंबर सी वाले सभी साथियों के जवाब 100% सही हैं, उनके जवाब 100% सही हैं। आगे बढ़िए भाई, सूत्र है भाई, एक सूत्र है आपका, इसको थोड़ा सा सूत्र है L = F(E)P। तो L में अधिगम, L जो है क्या है, अधिगम को इंगित करता है, E और P किसको इंगित करता है, किसको शो करता है, वातावरणीय कारक था अभावी कारक, सामग्रिक कारक तथा व्यक्तिगत कारक, वातावरणीय कारक तथा व्यक्तिगत कारक, या सामग्रिक कारक तथा अभिभावक कारक। या फ्रेंड एक फॉर्मूला आपके सामने दिया गया है L = F(ET)PT में L आपको अधिगम को शो कर रहा है, तो ET और PT किसको शो कर रहा है। आंसर कमेंट करके बताएं फ्रेंड इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या है। जी हाँ, इन्वायरमेंट फैक्टर तथा पर्सनल फैक्टर। जी हाँ, इन्वायरमेंट फैक्टर या पर्सनल फैक्टर, E फॉर इन्वायरमेंट और P फॉर पर्सनल। तो यहाँ पर हो जाएगा फ्रेंड इन्वायरमेंट फैक्टर और पर्सनल फैक्टर, लर्निंग = इन्वायरमेंट फैक्टर * पर्सनल फैक्टर। जी हाँ, आप सभी के जवाब सही हैं। सी वाले मेरे सभी साथियों के जवाब बिल्कुल सही हैं, वातावरणीय कारक इसका बिल्कुल सही जवाब है। जी हाँ, वातावरणीय कारक और व्यक्तिगत कारक, बहुत अच्छा। स्व प्रत्यक्षीकरण एवं लोगों के प्रत्यक्षीकरण द्वारा विकसित होता है रुचि, बुद्धि, स्व प्रत्यय या स्व अनुशासन। कह रहे फ्रेंड स्व प्रत्यक्षीकरण एवं लोगों के प्रत्यक्षीकरण द्वारा विकसित होती है। क्या विकसित होती है, रुचि होती है या बुद्धि होती है या स्व प्रत्यय या स्व अनुशासन। जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं फ्रेंड इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या है। क्वेश्चन नंबर 15 के लिए सभी साथी कमेंट सेक्शन में अपने अपने आंसर टाइप करिए, इसका सही जवाब क्या है, जल्दी से बताइए। रुचि है, बुद्धि है, स्व प्रत्यय है, स्व अनुशासन है। चलिए बी बी बी, ए भी कमेंट आ रहा है, डी भी कमेंट आ रहा है, और सभी लोग जल्दी जल्दी क्वेश्चन नंबर 15 के लिए अपने अपने आंसर कमेंट सेक्शन में टाइप करेंगे। चलिए विकल्प नंबर बी भी आंसर आ गया है। चलिए तो बी काफ़ी लोग कमेंट कर रहे हैं। तो देखिए फ्रेंड, जब बात होती है स्व प्रत्यक्षीकरण और लोगों के प्रत्यक्षीकरण द्वारा विकसित होता जो है उसको पता है स्व प्रत्यय होता है। इसमें लोगों का नज़रिया और अपने नज़रियों को एक साथ जो है विकसित किया जाता है। विकल्प नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। सी कमेंट करने वाले साथियों के जवाब सही हैं, कुछ ही लोगों ने सी कमेंट किया है। या अभी आंसर आया विकल्प नंबर सी, तो विकल्प नंबर सी वाले मेरे सभी साथियों के जवाब 100% सही हैं। आगे बढ़े फ्रेंड, कौन सा प्रतिमान छात्रों को, जी हाँ कौन सा प्रतिमान छात्रों को संप्रत्यय निर्माण तथा संप्रत्यय पुनर्निर्माण में सहायक है। पूछताछ शिक्षण प्रतिमान, सूचना प्रक्रम प्रतिमान, सहकारी अधिगम या अग्रिम संगठन प्रतिमान। जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएंगे फ्रेंड इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या है। फटाफट बताइए क्वेश्चन नंबर 16 का सही आंसर क्या है। जल्दी जल्दी कमेंट सेक्शन में सभी साथी आंसर अपना टाइप करेंगे, बताएंगे कि क्वेश्चन नंबर 16 का सही आंसर क्या है। फटाफट आंसर कमेंट करके बताएंगे। चलिए विकल्प नंबर सी, कुछ लोग विकल्प नंबर बी भी कमेंट कर रहे हैं। फटाफट सभी साथी डी और सी, चलिए सभी लोग जल्दी जल्दी कमेंट सेक्शन में अपने अपने विकल्प टाइप करिए, बताइए कौन सा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। क्या पूछताछ शिक्षण प्रतिमान होगा, या सूचना प्रक्रम प्रतिमान होगा, या सहकारी अधिगम होगा, या अग्रिम संगठन प्रतिमान होगा। चलिए सभी लोग जल्दी जल्दी कमेंट सेक्शन में जवाब दीजिए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। चलिए डी और सी और बी भी कमेंट आ गया, तो लगभग लगता है आप सभी लोग कन्फ्यूज हैं। चलिए सारे कन्फ्यूजन को दूर करते हैं, इसका जो सही जवाब फ्रेंड हुआ है
अग्रिम संगठन प्रतिमान। जिया फ्रेंड, छात्रों के द्वारा संप्रत्यय निर्माण वह पुनः संप्रत्यय निर्माण में जो सहायक होता है फ्रेंड, होता है अग्रिम संगठन प्रतिमान। कहने का मतलब होता है कि जो सूचनाएं आगे इकट्ठा की जाती हैं, आगे उनको जो है आगे मतलब पहले से ही उनको जो है संगठित किया जाता है, उन्हें ही संप्रत्यय निर्माण में प्रयोग में लिया जाता है। इसलिए विकल्प नंबर डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। डी कमेंट करने वाले मेरे सभी साथियों के जवाब सही हैं। अगला ज्ञान है। ज्ञान क्या है? ज्ञान क्या है फ्रेंड? ज्ञान अनुभव के व्यक्तिगत निर्वचन का परिणाम है। ज्ञान एक व्यक्ति का व्यक्तिगत अनुभव होता है। ज्ञान व्यक्ति के विचारों और दृष्टिकोणों को संचार में प्रफुल्लित करता है। ज्ञान एक अनुभव है जो कि व्यक्तित्व को दर्शाता है। बताएं फ्रेंड, कौन सा विकल्प ज्ञान को सबसे अच्छे तरीके से परिभाषित कर रहा है? फटाफट आंसर कमेंट करिए फ्रेंड, कौन सा विकल्प ज्ञान को सबसे अच्छे तरीके से परिभाषित कर रहा है? यहाँ क्वेश्चन नंबर 17 के लिए सभी साथी फटाफट आंसर कमेंट करके बताएंगे इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या है। चलिए डी 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 यस कमेंट कर रहे हैं कौ भाई, डी। चलिए भाई, इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है फ्रेंड वह है विकल्प नंबर ए। ज्ञान अनुभव के व्यक्तिगत निर्वचन का परिणाम होता है। कहने का मतलब फ्रेंड कि जो व्यक्ति का अनुभव होता है, साथ ही साथ उसके साथ साथ जो उसका पर्सनल व्यू होता है, उसके द्वारा जो वह कार्य करता है, जो वह बुद्धिमत्ता दिखाता है, वही उसका ज्ञान होता है। इसलिए विकल्प नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। ए इस क्वेश्चन का 100% सही आंसर है। अगला, कंप्यूटर के कक्षा कक्ष में उपयोग क्या है? कंप्यूटर का कक्षा कक्ष में उपयोग क्या है? कंप्यूटर आधारित अनुदेशन में, प्रदत्त विश्लेषण एवं संगणक में, कंप्यूटर अनुरूपी प्रयोग में, या उपयोग सभी। फटाफट आंसर कमेंट कर बताओ फ्रेंड, क्वेश्चन का सही जवाब क्या है? कंप्यूटर के कक्षा कक्ष में उपयोग क्या है? देखिए भैया, कंप्यूटर आधारित अनुदेशन में भी कंप्यूटर का उपयोग है, विश्लेषण एवं संगणक में भी कंप्यूटर का उपयोग है, कंप्यूटर अनुरूपीकरण करने में भी कंप्यूटर का उपयोग है। इसका मतलब विकल्प नंबर डी के साथ चला जाएगा, यही इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। डी इज द राइट आंसर। डी इस क्वेश्चन के लिए सही विकल्प है। आगे बढ़िए फ्रेंड, संप्रत्यय उपलब्धि प्रतिमान के प्रवर्तक के तौर पर किस मनोवैज्ञानिक का नाम प्रसिद्ध है? संप्रत्यय उपलब्धि प्रतिमान, पीगेट, बुर्नेर, असुवल, जॉन डेवी। बताएं फ्रेंड, किसका नाम संप्रत्यय उपलब्धि प्रतिमान के रूप में प्रसिद्ध है? डी और सी, डी सी डी सी आंसर आने प्रारंभ हो चुके हैं। चलिए सी भी आंसर कमेंट आ रहा है। चलिए, लगता है कन्फ्यूजन की स्थिति बनी हुई है, थोड़ा सा नया फैक्ट है ये। संप्रत्यय उपलब्धि प्रतिमान के जो प्रवर्तक फ्रेंड, उनका नाम है बुर्नेर। जी हाँ, विकल्प नंबर बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। बी द राइट आंसर। बी कमेंट करने वाले मेरे सभी साथियों के जवाब सही हैं। बढ़ेंगे अपने सीरीज के आज के अंतिम क्वेश्चन की तरफ। कौन सा कारक प्रभावी कक्षा शिक्षण में विचाराधीन नहीं होता है? तकनीकी की कमी, पृष्ठपोषण, शिक्षा कार्यनीतियों दक्षताएँ, संप्रेषण व अस्पष्टताएँ का सिद्धांत। बताइए फ्रेंड, कौन सा कारक प्रभावी कक्षा कक्ष के शिक्षण में विचाराधीन नहीं होता है? पृष्ठपोषण भाई बिल्कुल सही है, यह विचाराधीन होता है। शिक्षण कार्यनीति दक्षताएँ, यह भी विचाराधीन होता है। संप्रेषण और स्पष्ट का सिद्धांत, यह भी होता है। तकनीकी कमी या विचाराधीन फैक्ट नहीं होता है। इसलिए विकल्प नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। ए इज द राइट आंसर। ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। तो ये था फ्रेंड आज का आपका कंप्लीट क्लास। मिलेंगे आपसे कल पुनः इसी टाइम से, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू, गुड बाय।